नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। चैप्टर नंबर 4 हमारा जारी है, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड बाकी जो 11 लेक्चर आ चुके हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है जेपी सिंह एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT रुड़की। ये जो चैप्टर है वो IAS, PCS, SSC, CDS सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक है इसमें जो हमारा होगा वो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है अभी तक का, जो उसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्या रहा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट। पहले हमने देखे हैं फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्या देखा है। सबसे जो हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है जो इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि वेरियस सोर्सेज से ड्रॉन किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ब्लेंड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। और चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है वो कि फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस। एंड फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है, पावर डिवीजन का पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये भी डिस्कस कर लिया, यूनिटरी फीचर। देन हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स ये सब देखा, क्वासी फेडरल कैसी वीरी के द्वारा बोला गया, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बार्गेन मोर करो मॉरिस जॉन के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है, एंड फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इवर जेनिंग्स के द्वारा बोला गया। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर छठा इंपॉर्टेंट फीचर था कि सिंथेसिस है ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी डिस्कस किया, उसके एडवांटेज डिस्कस किए, डिसएडवांटेज डिस्कस किए, फिर पार्लियामेंट प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी डिस्कस किया, उसके एडवांटेज डिस्कस किए, फिर डिसएडवांटेज डिस्कस किए जुडिशियल सुप्रीमेसी की, ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। फिर हमने देखा सातवां इंपॉर्टेंट फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भारत में, ठीक है, ये भी डिस्कस कर लिए। एंड आठवां जो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को भारत में, पार्ट थर्ड में, ठीक है। फिर हमने देखा कि नौवां DPSP दिया गया है पार्ट फोर के अंदर। एंड फिर हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। सेकुलरिज्म डिस्कस किया, सेकुलर स्टेट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। फिर हमने केशव आनंद भारती डिस्कस किया और मिनर्वा बिल डिस्कस किया। उसके बाद में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 12वां जो इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 326 में दिया गया है। फिर हमने ये सब फीचर डिस्कस करते हुए आगे हमने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है, जबकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डबल सिटीजनशिप देता है। हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज को बुलवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला, कौन कौन सी, सुप्रीम कोर्ट, ECI, UPSC, KEG। फिर एमरजेंसी प्रोविजन हमने देखे, आर्टिकल देखे 352 के अंदर क्या है, नेशनल एमरजेंसी है और स्टेट एमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है 356 और 365 के अंदर, और फाइनेंशियल एमरजेंसी को 360 में डिक्लेयर किया जा सकता है। नेशनल एमरजेंसी को तीन ग्राउंड पे लागू किया जा सकता है, ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन, जबकि जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट एग्रेशन उसको 356 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब लागू किया जा सकता है, और आर्टिकल 365 के अंदर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर तब उसको क्या है प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है, और फाइनेंशियल जो है एमरजेंसी है वो क्या है थ्रेट हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिया को तब उसको लागू किया जा सकता है फाइनेंशियल एमरजेंसी को। फाइनेंशियल एमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लागू है। फिर हमने देखा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने भारत में क्या है लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। फिर हमने देखा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल ये ऐड कर दिया गया था, ठीक है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था उसने पार्ट 9 भी ऐड किया, आर्टिकल 43 भी ऐड किया, ठीक है, एंड इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, राइट टू फॉर्म ए क्रिटिक, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग संविधान से हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, इसलिए वर्ल्ड के क्या है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है उधार लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा ये बोलता है कि ये कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट की। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वो है अन इंडियन है, ये एंटी इंडियन है, ठीक है।
एंड फोर्थ इज अनगांधियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। पांचवा जो क्रिटिसिज्म है कि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, एलिफेंटाइन साइज है। छठा जो क्रिटिसिज्म आता है वो पैराडाइज ऑफ लॉयर बोला गया है इसको, ठीक है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत सारे लोगों ने दिया है कौन, ठीक है, आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल नहीं है इसमें, ठीक है। दे डिस्क्राइब इट इज ए, जो क्रिटिक्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करते हैं। बेग ऑफ बोरिंग्स बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बेग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन, और या फिर पेच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन, पेच वर्क। हाउएवर ये जो क्रिटिसिज्म है वो अनफेयर है, इलॉजिकल है, ठीक है। क्यों इलॉजिकल है? This is because the framer of constitution made necessary modification, जो हमने क्या है उधार लिए हैं परंतु उनको क्या है अपनी जरूरत के अनुसार उनको मॉडिफाई किया है, necessary modification किए हैं, the feature borrowed from other constitution, जो ताकि वो हमारे देश की इंडियन कंडीशन है उसको सुटेबल हो जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने क्या है बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया भर के उनका क्या है जो फॉल्ट्स थे उनको रिमूव किया है, उनके अच्छे अच्छे प्रोविजन लिए हैं केवल, ठीक है। तो इसलिए ये क्या इलीगल हो जाएगा ये कहना, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था कि वन लाइक्स टू वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो हमने क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1946 में बनाना शुरू किया था, वो तब तक क्या है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन चुका था, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का इतिहास है वो 100 साल पुराना हो चुका था, ठीक है। मोर देन 100 ईयर्स हैव रोल्ड अवर दी सिंस द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड इट हैज बीन फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज रिड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू द राइटिंग। व्हाट द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैज लॉन्ग बीन सेटल्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, उसका स्कोप क्या होना चाहिए, ये तो बहुत पहले सेट हो गया था, ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गिवन दिस फैक्ट आर द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर, द ओनली न्यू थिंग इफ देयर कैन बी एनी इन ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट इन द डे आर द वेरिएशन मेड टू रिमूव द फॉल्ट एंड टू अकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो ये कहते हैं कि जो 100 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास को उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो तो नया नहीं हो सकता, वो फंडामेंटल तो वही रहेंगे, परंतु उनके जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है हमने क्या है उनकी जो खामियां हैं उनको पूरी की, उनको खामियों को पूरी किया, ठीक है, उनको इंप्रूव किया फिर, और जो मॉडिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज इज बेस्ड व्हाट आई एम श्योर ऑन इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो चार्ज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर होच पोच बोला गया है वो क्या है वो इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बोला गया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट बातें हैं हम ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। एंड सेकेंड जो क्रिटिसिज्म आता है कि वो है कि ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, ठीक है, या फिर अमेंडेड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस क्रिटिसिज्म को बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो है अनंत श्रीनिवास ने क्रिटिसाइज करते हुए, अनंत श्रीनिवास एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। तो ये इन्होंने कहा था, अनंत श्रीनिवास ने क्या कहा है, जो भारत का संविधान है बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस इज ए कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935 के एक्ट की क्या है वो कॉपी है, उसकी लैंग्वेज वहां से कॉपी की गई है। उसके अलावा सर इवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, सर इवर जेनिंग ने कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रॉम विच इनफैक्ट मेनी ऑफ द प्रोविजंस आर कॉपी ऑलमोस्ट टेक्सचुअली। तो सर इवन जेनिंग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीधे के सीधे प्रोविजंस उठाए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट का। और पीआर देशमुख जो कि एक जो हमारी संविधान सभा थी उसके मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंशियली ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ओनली अडल्ट फ्रेंचाइजी एडिड, यानी कि जो राइट टू वोट है वो
क्या है अडल्ट लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। तो वो पहले क्या थी 10% फ्रेंचाइजी थी, बाद में क्या है सभी को दे दी, हमने देखा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का फीचर। तो पीआर देशमुख क्या क्या बोलते हैं याद रख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंशियली दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है विद ओनली अडल्ट फ्रेंचाइजी एडिट, ये बोला गया था पीआर देशमुख के द्वारा, ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर आंसर किया था इस क्रिटिसिज्म का, अबो क्रिटिसिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द फॉलोइंग वे। तो अंबेडकर जी ने क्या बोला, एज टू एक्वाइजेशन दैट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिप्रोड्यूस्ड ए गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, आई मेक नो अपोलॉजीज, तो मैं कोई अपोलॉजी में उसके लिए क्षमा नहीं मांगता हूं। देर इज नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ बोरोइंग, तो ये उधार लेने से क्या है हमें क्या है असेम नहीं होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म, यहां पे कोई प्लेगरिज्म नहीं है। नो बडी होल्ड एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर क्या है किसी का पेटेंट नहीं है। What I am sorry about is the provisions taking from the Government of India Act 1935 relate mostly to the detail of administration. जो Government of India Act 1935 से provisions दिए हैं उसके बारे में हम वो sorry थे, तो वो थे कि वो जो provision थे वो detail of administration है उसी से related है, ये इनका कहना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। तो ये आप याद रहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अन इंडियन और एंटी इंडियन, ये तो तीसरा क्रिटिसिज्म आता है कि ये अन इंडियन है एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो के हनुमंतिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा था कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। तो के हनुमंतिया ने कहा था कि ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है एंटी इंडियन है, एंड उन्होंने कहा था कि हमें क्या है वीणा और म्यूजिक चाहिए था परंतु हमें क्या है वो इंग्लिश बैंड का म्यूजिक सुनने को मिला। This was because our constitutional maker थे they were educated in English way, यानी कि जो वो इसी वे में educated थे। तो ये याद रख सकते हैं statement की we wanted the music of वीणा और सितार, ये के हनुमंतिया के द्वारा कहा गया है, we have the music of English band, this was the constitutional maker the executive, ठीक है। Next is लोकनाथ मित्रा ने क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को, इन्होंने बोला था जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्लेविस इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। तो लोकनाथ मिश्रा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्लेविस इमिटेशन ऑफ वेस्ट बोला है विच मोर ए स्लेविस सरेंडर टू द वेस्ट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट काफी अच्छा स्टेटमेंट लिख रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्लेविस इमिटेशन ऑफ द वेस्ट मच मोर ए स्लेविस सरेंडर टू द वेस्ट, यानी कि सरेंडर है, सरेंडर कर दिया है वेस्ट को हमने, ये कहना था लोकनाथ मिश्रा जी का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्रिटिसिज्म है वो लोक लक्ष्मी नारायण साहू जी का है, ये भी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था कि द आइडियल्स ऑन विच द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हैज नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत की आत्मा है स्पिरिट है उससे कोई इसका जो फंडामेंटल रिलेशन नहीं है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सुटेबल, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेबल नहीं होगा और वुड ब्रेक डाउन सून, ये खत्म हो जाएगा आफ्टर बींग ब्रॉट इन टू एक्शन। तो ये कहना था इनका, लक्ष्मी नारायण साहू का कहना था ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसके हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, परंतु अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो ये तो गलत प्रूव हुए हैं, ठीक है। तो इन अनगांधियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्रिटिसिज्म है कि इसको अनगांधियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो के हनुमंतिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसाज। तो के हनुमंतिया के अनुसार जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है वो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और न ही उन्होंने ऐसा सोचा था, ठीक है, डिड नॉट एनविसाज, ठीक है। टी प्रकाशम अगेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने क्या कहा एट्रिब्यूटेड कि ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंबेडकर को इन्होंने बोला कि ये जो गांधीयन क्यों है, क्योंकि अंबेडकर ने क्या है गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए क्या है टी प्रकाशम के अनुसार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है अनगांधीयन है, ठीक है। एट्रिब्यूटेड दिस लेप्स टू अंबेडकर नॉन पार्टिसिपेशन इन गांधीयन मूवमेंट एंड एंटागोनिज्म टुवर्ड्स द गांधीयन आइडिया, ठीक है। तो वो इनके खिलाफ थे अंबेडकर जी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो उसको इसने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आता है एलिफेंटाइन साइज का, ठीक है। तो अचवी कामत ने क्या कहा है, अचवी कामत एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने एलिफेंटाइन साइज में बोला है कि द एम्बलम एंड द क्रेस्ट
दैट वी हैव सिलेक्टेड अवर असेंबली एज ए एलिफेंट. तो हमने क्या है, एलिफेंट को हमने देखा है कि पिछले लेक्चर में जो सिंबल था हमने चुना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एलिफेंट को, एंड इन्होंने इसी पे क्या है कटाक्ष करते हुए कहा था कि द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर अवर असेंबली इज ए एलिफेंट. इट इज परहैप्स इन कॉन्सोनेंस विद दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज बल्कियस्ट दैट द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड. तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कियस्ट बन गया है इसी के जो हाथी हमने क्या है सिंबल चुना है उसी के अनुसार. ठीक है, नेक्स्ट इज पैराडाइज ऑफ लॉयर. तो इसमें इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर बोला है क्रिटिसिज्म करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो सर इवर जॉनिंग ने इसको क्या है पैराडाइज ऑफ लॉयर पैराडाइज कहा है, लॉयर पैराडाइज. ठीक है, तो ये थे हमारे जो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, धन्यवाद. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.